शुरू तो करना है। हो गया शुरू। ये क्या सही करके लगाओ ना, सही करके लगाओ दीवार को, पेंट नहीं, थोड़े ही कर रहे हो दीवार को, तो पेंट नहीं कर रहे ना तुम तो। नेल पॉलिश पैरों पे लगाओ इसको, नहीं अब रहा। अच्छा ऐसे एक के बस आगे आगे, हाँ ऐसे ऐसे। ये मेरे नेल्स हैं, कोई दीवार नहीं है जिसको पेंट करने लगे हो, वॉल नहीं है ये। नहीं अब दोबारा ब्रश वहाँ से लो, एक तो काम सिखाना पड़ता है लड़कों को, बहुत मुश्किल है इनको काम करना नहीं आता। तुम ये करो फिर मैं तुम्हें झाड़ू लगाना भी सिखाऊंगी, उसके बाद मैं तुम्हें ना कपड़े धोना भी सिखाऊंगी, उसके बाद मैं तुम्हें बर्तन धोना भी सिखाऊंगी कि कैसे काम करते हैं, ठीक है। तुम्हें मैं कंप्लीट औरत बना दूंगी, तुम्हें मैं सारे काम सिखाने के बाद तुम्हें मैं कंप्लीट औरत बना दूंगी। ठीक है मैडम जी। ठीक है मैडम जी, तुम सुगढ़ औरत बन जाओगी, और तुम ना जिस घर में जाओगी ना, यकीन करो कि पूरा घर तुम्हारे से बहुत खुश रहेगा, क्योंकि तुम जिस घर में भी जाओगी ना, तो वहाँ पे चार चांद लगा दोगी तुम। हांडी रोटी बर्तन सफाइयाँ हर चीज़ में तुम्हें सिखा दूँगी, ठीक है। फिर ना जो है तुम चार चांद जब लग जाने, ठीक है, जब तुम्हारे ना चार चांद लग जाएंगे, तो बाकी के पाँच छः चांद वो खुद लगा देंगी तुम। चलो ठीक है हो गया है, ये तो हो गया है ना। अब मेरी बात सुनो, इसको ड्राई होने देना, ड्राई होने के बाद ना फिर दूसरे पाँव से शुरू करना, ज़रा खुश्क हो जाए ना, ठीक है। इसके बाद मैं तुम्हें सिखाऊंगी कपड़े कैसे धोते हैं, ठीक है। तुम ना मुझसे गाने की भी क्लास, तो मैं तुम्हें थोड़े से डांस भी सिखा दूंगी, ताकि तुम कंप्लीट शुगर औरत बन जाओ, तुम्हारे लिए ना फायदे ही फायदे हों। आखिर तुमने कल शादी करनी है, कल शादी तुमने करनी है, अपना घर बसाना है, क्या ख्याल है? अपना घर बसाओगी तो बेहतर रहोगी, सुगर रहोगी तो तुम्हारे लिए फायदे होंगे। ऐसे तो तुम किसी के घर नहीं रह सकोगी, तुम्हें कहीं भी रखेंगे तुम नहीं रह सकोगी। हो तुम लड़के लेकिन तुम ये तो सफर करो कि तुम लड़की हो, तुम ज़हनी तौर पे ये तैयार हो जाओ कि तुमने ना शादी करके जाना है किसी के घर, और वहाँ पे ये भी यही काम करने, हांडी रोटी बर्तन सफाई, नौकरी वो करेगी, ठीक है, समझ गया ना मेरी बात? बिल्कुल। हाँ जरूर, तुमने मेहनत करनी है, मशक्कत करनी है, मजदूरी करनी है, तुम कब वो तुम खाना बैठ के वो कमाएगी बैठ के, ऐसा नहीं ठीक। ये नहीं बेहतर सुकून से अपनी जिंदगी गुजारना? अच्छा चलो मैं ये तुम्हें ट्रीट करूंगी कि तुम लड़के नहीं हो। मुझे ये बताओ तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है? मुझे सब कुछ पसंद है। सब कुछ क्या मतलब? बिरयानी नहीं पसंद। बिरयानी नहीं पसंद, हालांकि सबसे ज्यादा लोगों को वो पसंद होती है। तेरे फिर खान की तमीज़ नहीं है बेटा, जिन्हें बिरयानी नहीं पसंद ना समझो उन्हें खान की तमीज़ ही नहीं है।